आपने बहुत बड़ी बड़ी चोरियों के बारे में सुना होगा, जहां लाखों करोड़ों रुपए की चोरी हुई होगी। लेकिन कभी क्या आपने सुना है कि किसी ने अपने यहां कोई चोरी करवाई हो? सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। मामला दिल्ली के रोहिणी इलाके का है, जहां बाप बेटे ने मिलकर अपनी ही दुकान में चोरी करवा दी और इस चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने रुपए भी खर्च किए। आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्या इसके पीछे उनकी कोई साजिश छिपी थी या फिर अगले 30 मार खां बनने की तैयारी थी? आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। 23 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की PCR को एक दुकानदार ने कॉल करके बताया कि उसके पिता मेघराज की मौजूदगी में उसकी दुकान से 8.5 लाख रुपए की चोरी हो गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मेघराज और उनके बेटे नवीन से वारदात की पूरी जानकारी ली। पुलिस को नवीन ने बताया कि चोर उनकी दुकान पर आए और 8.5 लाख रुपए से भरा बैग उठाकर ले गए। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरतापूर्वक लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या किसी ने चोरों को जाते हुए देखा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद चोरों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने दुकान और आसपास लगे करीब 350 CCTV कैमरा खंगाले। पुलिस को एक CCTV फुटेज में आरोपी पैसों से भरा बैग ले जाते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद CCTV फुटेज के आधार पर ही तीनों आरोपियों की पहचान की गई। इसके बाद जांच में पता चला कि तीनों पेशेवर चोर हैं और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जब पूछताछ शुरू करी, तो पूछताछ के दौरान कहानी में एक नया मोड़ आया। आरोपियों ने बताया कि चोरी की वारदात को दुकानदार मेघराज और उनके बेटे नवीन ने अंजाम दिलवाया है। इतना ही नहीं, चोरी के लिए नवीन ने चोरों को 4500 रुपए भी दिए थे। ये सब सुनकर पुलिस हक्का बक्का रह गई। इसके बाद जब पुलिस ने दुकानदार बाप बेटे से पूछताछ करी, तो सच सामने निकल कर आया। उन्होंने बताया कि कर्जदारों के कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ये साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपी दुकानदार नवीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दुकान मालिक मेघराज की खराब स्वास्थ्य की वजह से पुलिस ने उसे फर्जी चोरी के करवाने के आरोप में नोटिस जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।